हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्सेल में एक एडवांस सर्च बॉक्स बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम हमारी वर्कबुक पे आ चुके हैं। इस वर्कबुक पे हमारे पास दो शीट है, शीट वन और शीट टू। मैंने अभी इन शीट को रीनेम नहीं किया है। आप चाहे तो इन्हें रीनेम कर सकते हैं। शीट वन में जो है हमारी क्लाइंट की प्रोफाइल देखने के लिए यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर में हम सर्च बॉक्स डिज़ाइन करने वाले हैं, उस सर्च बॉक्स में जैसे ही हम क्लाइंट का नाम टाइप करेंगे और उस क्लाइंट को हम चूज़ करेंगे, तो उसका जो भी डेटा है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो शीट टू पे चलते हैं। शीट टू पे हमारे पास क्लाइंट का डेटाबेस है, जहाँ पर क्लाइंट आईडी, नेम, जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स क्लाइंट की है हमारे पास। यहाँ पर लगभग मैंने ये जो डेटा है, ये डेमो डेटा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर कुछ हज़ार क्लाइंट के यहाँ पर नाम ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 1000 क्लाइंट का डेटाबेस है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले हम एक एडवांस फिल्टर क्रिएट करेंगे, क्योंकि सर्च बॉक्स हमारा तभी काम करेगा जब हम यहाँ पर एडवांस फिल्टर का सेटअप कर देंगे। हमें जो हमारी टेबल है उसका ये हेडर हमें सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और यहाँ पर मैं ए कॉलम पे यहाँ पर एडवांस फिल्टर का सेटअप बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इन्हें हम थोड़ा अब यहाँ पर इन कॉलम को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इन्हें छोटा कर लूँगा ताकि हमें ये सेटअप करने में आसानी रहे। तो हमने यहाँ पर ये हेडर सेम कॉपी कर लिया। अब हमने कॉपी क्यों करी है, तो दोस्तों जब भी हम एडवांस फिल्टर लगाते हैं तो उसका क्राइटेरिया और जहाँ पर हमें फिल्टर का रिज़ल्ट देखना है, तो ये दोनों जो हेडर है वो सेम हमारे डेटाबेस के हेडर के जैसी होनी चाहिए। तो अब हम इसको कॉपी एक बार और कॉपी कर लेंगे और नीचे यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। और आप चाहे तो इसे थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे कलर दे दूंगा यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ये वाला कलर, और ये जो है हमारा जहाँ पर रिज़ल्ट शो होगा उसे मैं कर दूंगा ग्रे कलर। और यहाँ पर तीनों रो को मैं सिलेक्ट करूँगा और बॉर्डर ऐड कर दूंगा, ऑल बॉर्डर्स। तो यहाँ पर हमने सेटअप तैयार कर लिया है। अब हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना है, कहीं किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर आएंगे हम डेटा में, डेटा टैब में आएंगे, और उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पर एडवांस ऑप्शन पे। तो एडवांस ऑप्शन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास में एडवांस फिल्टर की जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्शन के अंदर आपको फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस है और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमें कॉपी ये जो डेटा है हमारा उसे अनदर लोकेशन पे कॉपी करना है जो हमने अभी सेटअप किया था। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, और लिस्ट रेंज जो है हमारी वो ऑटोमेटिक इसने सिलेक्ट कर लिया, जो कि हमारी डेटाबेस की टेबल है। और क्राइटेरिया रेंज जो है कि जिसके बेस पे हम यहाँ पर क्लाइंट को फिल्टर करेंगे, तो ये जो क्राइटेरिया रेंज है दोस्तों वो हमें यहाँ पर आना है हमारे डेटाबेस में, और ये वाले दोनों रो को सिलेक्ट करना है। अब कॉपी टू, तो हमें जो फिल्टर होगा वो रिज़ल्ट कहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए हम इस हेडर को सिलेक्ट करेंगे और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर ये जो डेटा है हमारा वो पूरा के पूरा फिल्टर होके यहाँ पर आ गया है। तो हमारा ये पहला काम हो गया है दोस्तों। अब हमें दूसरा काम करना है, तो दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम सर्च बॉक्स जो है उसे डिज़ाइन करेंगे। तो हम चलते हैं शीट वन पर। तो अब यहाँ पर सर्च बॉक्स हमें डिज़ाइन करना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर एक आइकॉन पहले से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो कि सर्च का आइकॉन है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका नेट कनेक्ट है तो आप यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और आइकॉन्स पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है इसे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर एक शेप लेंगे, और यहाँ से हम रेक्टेंगल शेप लेंगे जो कि राउंडेड कॉर्नर्स हैं। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर
इस तरह से हम इसे क्रिएट कर देंगे। अब शेप फॉर्मेट में जाएंगे और इसकी जो हाइट है दोस्तों, तो हाइट हमें यहाँ पर, तो सर्च बॉक्स की हाइट देना हमें 0.48 और इसकी जो विड्थ है दोस्तों, तो विड्थ है इसकी देना है हमें 3.5। तो हमने इसका साइज सेट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसके कॉर्नर भी थोड़े सेट कर देंगे इस तरह से। अब शेप फिल में जाना है हमें और शेप फिल में हम इसे कर देंगे वाइट कलर और शेप आउटलाइन में कर देंगे नो आउटलाइन। अब नो आउटलाइन करेंगे दोस्तों तो ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमें क्या करना है, शेप इफेक्ट में जाना है, शेडो में जाएंगे हम और शेडो के बाद में हम ये सेंटर वाली शेडो जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसके सेंटर में एक शेडो लग जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस आइकॉन को ड्रैग करके, अब ये पीछे है तो इसे हम पहले ग्राफिक फॉर्मेट में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इसे यहाँ पर हमें सेट करना है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम और अलाइन में जाके इसे अलाइन मिडल कर देंगे। अब हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है दोस्तों। अब ये टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, हमारा शेप वाला टेक्स्ट बॉक्स नहीं लगाना है हमें। यहाँ पर हम डेवलपर टैब में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक्टिव एक्स कंट्रोल वाला जो यहाँ पर टूल है टेक्स्ट बॉक्स का, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर ड्रैग करके डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक हमने ड्रैग करके डिज़ाइन कर लिया इसे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम, प्रॉपर्टीज़ में हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तो वाइट ही रहने देंगे और यहाँ पर इसके जो बॉर्डर है उसे एक बार सिंगल करेंगे और फिर नन कर देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मैं इसे क्लोज करता हूँ और डिज़ाइन मोड को हटा देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जो हमारा ये रेक्टेंगल शेप है उसी में हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिखाई नहीं देगा। तो मैं फिर से डिज़ाइन मोड एक्टिव करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो हाइट तो हम यहाँ पर इसकी जो हमारा शेप है रेक्टेंगल शेप उसी के हिसाब से इसकी हाइट एडजस्ट कर लेंगे और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर अलाइन टू मिडिल कर लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि अभी हमने इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप किया था तो उसके फॉन्ट छोटे आ रहे थे, तो यहाँ से फॉन्ट साइज को हमें बढ़ाना है। तो फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ पर फॉन्ट हम कर देंगे 16 और ओके कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। डिज़ाइन मोड को हम इनएक्टिव कर देंगे। अब हम टाइप करके देखते हैं तो हमारे फॉन्ट जो है उसका साइज बढ़ गया है। तो दोस्तों सर्च बॉक्स हमारा रेडी हो गया है। सर्च बॉक्स रेडी करने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सर्च बॉक्स तभी काम करता है जब हम इसमें VBA कोडिंग करेंगे। तो VBA कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर पहले से मैंने VBA कोडिंग कर ली है। तो विजुअल बेसिक में हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए ये कोडिंग की हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादा कोडिंग नहीं करना है दोस्तों, एक टेक्स्ट बॉक्स 1 की कोडिंग है, एक लिस्ट बॉक्स की है जो हम अभी बनाने वाले हैं और एक यहाँ पर मॉड्यूल है जो कि फ़िल्टर क्लाइंट है, हमने जो क्लाइंट फ़िल्टर करे थे उसका एक यहाँ पर मैक्रो बनाया हुआ है। तो ज़्यादा कोडिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कोडिंग है। तो आपको मैं इस फाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि ये डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सर्च बॉक्स डिज़ाइन किया है। अब सर्च बॉक्स में हम जो भी टाइप करेंगे तो उसका रिज़ल्ट कहाँ पर शो होगा, उस क्लाइंट के लिस्ट कहाँ पर फिल्टर होके आएगी, तो उस लिस्ट के लिए हमें यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स रेडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिस्ट बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, डेवलपर टैब के अंदर इंसर्ट है, इंसर्ट में जाएंगे हम यहाँ पर और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स में यहाँ पर लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके हम इसे डिज़ाइन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे दोस्तों और यहाँ पर इसके बॉर्डर स्टाइल कर देंगे हम सिंगल और इसमें हम इसका फॉन्ट साइज कर देंगे यहाँ से 16 और ओके कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों वो रिज़ल्ट जो हमारा क्लाइंट का रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कैसे शो होगा, तो उसके लिए हमें एक और सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर शीट 2 में आना है और यहाँ पर हमें जो हमारा फिल्टर डेटा है वहाँ पर ये क्लाइंट के जो नेम का कॉलम है
इसे हम एक नेम मैनेजर में इसको एक नेम से डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर जाते हैं फॉर्मूलास में और यहाँ पर नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में न्यू पर जाएंगे और न्यू में हम यहाँ पर और न्यू नेम में हम यहाँ पर लिस्ट को नाम दे देंगे क्लाइंट लिस्ट, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट का डेटा है तो क्लाइंट लिस्ट हमने नाम दे दिया। और यहाँ पर रेफरेंस टू में आएंगे, यहाँ पर हम ये पीछे वाले रो को डिलीट करके यहाँ पर 9999 टाइप कर देंगे, ताकि हमारा जो पूरा डेटा है उसकी यहाँ पर एक लिस्ट बन जाए, उसका एक नेम डिफाइन हो जाए और ओके कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर से शीट वन पे आएंगे और यहाँ पर हमारा जो लिस्ट बॉक्स है उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम डेवलपर टैब में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और जो नाम हमने वहाँ पर डिफाइन किया था उसी नाम को यहाँ पर लिस्ट फिल रेंज में टाइप कर देंगे। तो क्लाइंट लिस्ट और एंटर कर देंगे तो हमारा सारा जो क्लाइंट का डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसके सारे क्लाइंट के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये नाम तो आ गए हैं, लेकिन जैसे हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर कैसे फिल्टर होगा, उसके लिए हमने वहाँ पर कोडिंग करी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया है। वो तीन कोड आपको लिखना है, तो आप इस फाइल का यूज़ करके आप उस कोड को लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम किसी क्लाइंट पर डबल क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ पर कैसे फिल होगा वो भी सब आप वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कोड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ फॉर्मूले भी लगाए हुए हैं तो वो भी आप फाइल में देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरी तरह से जो हमारा सर्च बॉक्स रेडी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से काम करेगा। तो दोस्तों हमने पूरी तरह से यहाँ पर रेडी कर लिया है हमारे सर्च बॉक्स को। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, अब जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ए, तो ए से रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्लाइंट के नेम है वो सारे फिल्टर होकर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे जो क्लाइंट के नेम है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर क्लाइंट का नेम टाइप करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता रहता हूँ एमी, तो यहाँ पर एमी आपको फिल्टर होकर दिखाई देगा। अब जैसे ही आप एमी पर सिलेक्ट करते हैं, सिंगल सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ नहीं होगा, ये हमारा जो नेम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा जो है एमी का वो यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक फंक्शन लगाया हुआ है इंडेक्स फंक्शन। और क्लाइंट आईडी जो है यहाँ पर जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो क्लाइंट आईडी यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाती है, और उसके बाद में ये सारा जो है डेटा इंडेक्स फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर शो होता है। तो दोस्तों ये सारे कोडिंग आप फाइल में से यूज़ कर सकते हैं। आप इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।